हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर्स प्राइड। इस लॉकडाउन वाले टाइम पे सभी स्टूडेंट्स जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे वो सब किसी ना किसी तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑलरेडी पहले जो बने हुए नोट्स हैं वहां से पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी तरीका अपना रहे हो, इन सभी स्टूडेंट्स को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। काफी बच्चे हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि सर ये लॉकडाउन पूरी तरीके से नॉर्मल कब होगा, ये कोरोना की सिचुएशन वापस पहले की जैसे नॉर्मल कब होगी, कितना टाइम लगेगा, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। एंड आई नो ये सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे। दोस्तों इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जरा आप 4-5 महीने पीछे चलिए, फरवरी मार्च उस महीनों में जब ये कोरोना और लॉकडाउन ये दो शब्दों से हमारे को कोई ताल्लुकात नहीं था। अब उस टाइम पे हम तैयारी कैसे करते थे, या तो हमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था या फिर हम ऑलरेडी हमारी सेल्फ स्टडी कर रहे थे, घर पे ही नोट्स रिवाइज कर रहे थे, अलग अलग बुक से रेफर कर रहे थे, है कि नहीं। अब अगर लॉकडाउन नहीं भी लगा होता तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे होते, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको क्या चीजें मिलती, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको कंसेप्ट मिलते हैं, है कि नहीं। जरा ध्यान से इस बात पे गौर फरमाइए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट गारंटी 100% नहीं लेगा कि हाँ आप हमारे यहां केवल आ जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके कंसेप्ट क्लियर कर देगा, उसके बाद क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, है कि नहीं दोस्तों। तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हो आप लॉकडाउन की वजह से, तो भी आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की मदद से कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपके पास आ सकता है। आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा जहां पे आप अभी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिजिटल डिवाइस है तो आप अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स लेकर घर बैठे बैठे उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आएगी, सर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स काफी महंगे लग रहे हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अगर आपको महंगे लग रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज मत लो। जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, आप उस सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। अब बात आती है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम जाते लॉकडाउन लगने से पहले, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके कंसेप्ट हमारे बिल्डअप हो रहे थे वो तो अभी भी ऑनलाइन तरीके से हो सकते हैं। कंसेप्ट बिल्डअप होने के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना था। अगर लॉकडाउन नहीं भी लगा होता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आप कंसेप्ट बिल्ड होते करते और उसके बाद घर पे आके आप क्वेश्चंस लगाते, और क्वेश्चंस तो आपको अभी भी खुद ही लगाने पड़ेंगे। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बैठ के आपको हजारों क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व करवाएगा, वो आपको घर पे जाके खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनको अप्लाई करने के लिए उनके एप्लीकेशंस होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन होगा जब उस एग्जाम के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हम सही करेंगे, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हम तब सही करेंगे जब वैसे बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन हमने घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, चाहे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट गए हो या सेल्फ स्टडी करी हो, दोनों ही सूरतों में, है कि नहीं दोस्तों। तो आज की डेट में आपको अगर लग रहा है कि ये कोरोना की वजह से हमारी प्रिपरेशन अफेक्ट हो रही है या फिर इस कोरोना की वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये चीजें माइंड से निकाल दीजिए। एक चीज और हमें स्टूडेंट से सुनने को मिली है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हमें ये शिकायत करते हैं कि सर ये कोरोना के टाइम पे जब हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, बहुत इजीली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक तरीके हर एक जगह में पढ़ने का एक अंदाज अपना होता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल से पढ़ा जाता है। जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं, जब किसी कोचिंग में बैठ के आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो ये उसूल होता है कोचिंग का कि जब क्लास चल रही है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान आपकी नोटबुक और उस व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए जहां टीचर पढ़ा रहा है, इसके अलावा और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। इससे आप भी अग्री करते हैं, और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाकी बच्चों से कॉम्पिटिशन में थोड़ा पीछे रह जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ गया शायद आपको वो टफ लगे, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था, है कि नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल इसी तरीके से ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन में भी एक उसूल होता है, वो क्या, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको अपने आप में एक अनुशासन बना के रखना है, क्योंकि जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तब तो आप बार बार अगर मोबाइल या अगर किसी से बात करते हैं तो टीचर आपको डांट के वापस बोलेगा कि ध्यान दो बोर्ड पर, लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वहां पे कोई डांटने वाला नहीं है एक्सेप्ट आप खुद। तो जब आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ते हैं तो आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे,
हर रोज डिसाइड कर लीजिए कि मैं ये वाला टॉपिक आज खत्म करूंगा, और एक साथ बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप को मत दीजिए, छोटे छोटे टॉपिक में उस बड़े टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब, जैसे कि आप अभी अपने मन में सबसे वीक सब्जेक्ट इमेजिन कीजिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत वीक है आपका। अब उस सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर उठाइए और उस पहले चैप्टर को भी 5 या 8 टॉपिक्स में डिवाइड कर दीजिए। जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स है उन्हें इक्वली 2-2, 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब पहला सेगमेंट उठाइए कि इस टॉपिक को मैं आज 2 घंटे में 2.5 घंटे में 3 घंटे में खत्म कर दूंगा, ऐसे सोच के बैठे और कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप खोल के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने चालू कर दीजिए। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से आपको कंसेप्ट मिलेगा, मतलब वो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये वाला मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया है, तब आप क्वेश्चन बुक उठाइए और उस चैप्टर को जो आपने अभी पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए हाथों हाथ। जो ये थ्योरी पढ़ना, कंसेप्ट लेना, कंसेप्ट को समझना, चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो या ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से, कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस लगाने में बिल्कुल देरी मत करो कि आज हमने कंसेप्ट पढ़ा और क्वेश्चंस हम 2 दिन बाद लगाएं। इस तरह की गलती नहीं करनी है दोस्तों। कंसेप्ट पढ़ा, समझ में आया, हाथों हाथ क्वेश्चंस लगाओ, फिर अगले दिन अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझ में आया, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे 2 क्वेश्चन हो या 5 या 50, हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन कंसेप्ट पढ़ना और क्वेश्चंस करने के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत अहम है, वो है रिवीजन। आप चाहे अपने सब्जेक्ट को कितना ही शानदार बना लें, लेकिन अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम तक जाते जाते आप वो सब्जेक्ट पूरी तरीके से भूल चुके होंगे। इसीलिए रिवीजन भी उतना ही जरूरी है जितना कि कंसेप्ट पढ़ना और उनके क्वेश्चंस लगाना, है कि नहीं दोस्तों। अब आप सभी में, चाहे आप टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज, आप सभी में हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट या वीक टॉपिक जरूर होगा। अब इस वीक टॉपिक के ही आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही शानदार जो आप भी जानते हैं, वो ये, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कॉलेज में थे किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन जब हम अपने दोस्त को, अपने रूममेट को, अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि यार ये वाला टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहा, और वो बैठता है और 2 मिनट में हमको ये टॉपिक पूरा समझा देता है, तब हमको लगता है यार ये टॉपिक तो बड़ा आसान था, मुझे फालतू में टफ लग रहा था, है कि नहीं। तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमको टफ लग रही होंगी, लेकिन जब कोई सामने से समझाए तो बड़ी आसान लगने लग जाती है। बिल्कुल सेम चीज आपको मिलेगी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में, जहां पे हर एक टॉपिक को एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी उसको एक्सप्लेन कर रही है। उससे क्या होगा, वो जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो वीक सब्जेक्ट के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और जब वीक सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बस आपको क्या क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिविजन करना है, है कि नहीं दोस्तों। अब आपके इसी तैयारी में, ये जो ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हैं घर बैठे बैठे, इस ऑनलाइन तैयारी में एक छोटी सी हेल्प, एक छोटा सा मदद के तौर पे इंजीनियर्स फाइड लॉन्च किया है एक फ्रीडम सेल। 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस पे इंजीनियर्स प्राइड ने एक फ्रीडम सेल लॉन्च करी है, जहां पे इंजीनियर्स प्राइड के एप्लीकेशन पे मौजूद सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स पे फ्लैट 20% ऑफ। अब चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लें, कंप्लीट पैकेज लें, एसएससी का लें, या यूपीपीएससी का, या गेट का, या राजस्थान जूनियर इंजीनियर का, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का, या कोई भी और एग्जाम, कोई भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलने वाला है आपको हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, मतलब 15 अगस्त 2020 के दिन आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पे आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स में जाइए, वहां पे सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कि ये इतने रुपीस का है और इतने इयर्स का वैलिडिटी है, वहां पे एक प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप अगर 15 अगस्त के दिन ये प्रोमो कोड लगाएंगे फ्रीडम EP20 बिना स्पेस के, FREDOMEP इंजीनियर्स प्राइड 20, फ्रीडम EP20 प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो जो भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से उस पे फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। एक बार और रिपीट कर दूं, जितने भी इंजीनियर स्प्राइड के एप्लीकेशन पे मौजूद ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी पे फ्लैट 20% डिस्काउंट होगा इंडिपेंडेंस डे के दिन,
ठीक है, तो देर किस बात की, आप तय कर लीजिए कि 15 अगस्त को कौन कौन से कोर्स लेने हैं, उनको ध्यान रखिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, और 15 अगस्त के दिन आप ये इंजीनियर्स प्राइड की फ्रीडम सेल को यूज करके 20% डिस्काउंट में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं और घर बैठे बैठे अपनी तैयारी में जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। अब बात रहती है किताबों की, तो दोस्तों किताबें जैसे जैसे आती जा रही हैं फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होती जा रही है। अगर आप ये वाली किताब लेना चाहते हैं, ये किताब राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सेकंड एडिशन है, जो फर्स्ट एडिशन था रेड वाली, ये एडिशन सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसमें कुछ एरर्स थे, हम एक्सेप्ट करते हैं, इसके सारे एरर्स करेक्ट कर दिए गए हैं और बनी है ये किताब। ये जो रेड वाली किताब आप देख रहे हैं, ये रेड वाली किताब में ओनली 12 पेपर्स थे, बट इस सेकंड एडिशन किताब में टोटल 15 पेपर्स हैं। और इतना ही नहीं, राजस्थान के अलग अलग एग्जाम्स के सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके इस किताब में अरेंज किया। उसके साथ साथ इसी किताब में ऑटो कैड के जो अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन हुए हैं राजस्थान जूनियर इंजीनियर में, वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ इसी किताब में राजस्थान जीके का नॉन टेक पोर्शन, जो कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम में आने वाला है, वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों अगर आपने ये किताब अभी तक ऑर्डर नहीं करी है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब का फ्लिपकार्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पे ये किताब मौजूद है, आप उसको जल्द से जल्द ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब लिमिटेड कॉपीज में है, तो जिसने जल्दी ऑर्डर किया उसी को ये किताब मिल जाएगी, बाद में ये किताब खत्म हो जाएगी तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इस किताब के अलावा आप अगर चाहें तो इस किताब के साथ साथ ये वाली किताब राजस्थान जीके के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों किताब साथ में कॉम्बो में लेना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ये दोनों किताब का कॉम्बो भी फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। उतना ही नहीं, इन किताबों के अलावा अगर आप राजस्थान जीके के हिंदी में हैंड रिटन नोट चाहते हैं ये वाले, तो ये हिंदी के हैंड रिटन नोट्स राजस्थान जीके के, ये भी आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा राजस्थान के अलावा जो बाकी स्टेट्स के एएन और जेएन के एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर और बहुत डिटेल में बनाए गए सॉल्यूशन आपको एक ही किताब में मिल जाएंगे, जो कि है हमारी ये वाली किताब। ये किताब में अलग अलग स्टेट्स के एएन और जेएन के क्वेश्चंस आंसर और सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके इन किताब में दिए गए हैं और ये किताब भी फ्लिपकार्ट पे अब अवेलेबल है। तो दोस्तों देर किस बात की, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ये जो किताबें अभी मैंने बताई है इन किताबों के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। कोई भी मन में सवाल आ रहा हो कि सर रिवीजन कैसे किया जाए, या फिर कोई भी और डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेरी हो, तो बेझिझक आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई मन में सवाल हो तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमें बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी मन में और सवाल आ रहा हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए, चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रखिए क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए और एक पॉजिटिव वाइब के साथ इंजीनियर्स प्राइड के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।